बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज सुबह मैं ऑफ़िस गया, ऑफ़िस के बाद घर आया, घर के बाद यानी को खाना भी खा लिया, लेकिन कुछ ख़ास ऐसा नहीं था जो मैं रिकॉर्ड कर पाया। तो अभी मैं फिर घर पे आया हूँ, यहाँ पे चेक इन बैलेंस करने। तो यहाँ पे अभी काम हो रहा है, प्लस्तर का वर्क हो गया, बाहर भी रहता थोड़ा बहुत काम। तो यहाँ पर मैंने वह ये था कि इस घर जब ये घर बना नहीं था तब तक यहाँ पर एक जो डॉग थी और कुत्ती थी उसने बच्चे दे दिए थे। तो बच्चे तीन चार यहाँ पे रहते थे, तो उनके लिए हमने बाहर जगह बना ली थी ये वाली। तो यहाँ पे अभी कल परसों तो काफ़ी होते हैं, लेकिन आज मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है सारे बच्चे जो हैं आगे पीछे के पड़ोस के जो बच्चे जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शरारती हैं, या तो ये कहीं आगे पीछे ले गए हैं। लेकिन उनके लिए प्रॉपर घर बनाया था हमने, ऊपर वो रखा ताकि धूप वगैरह ना लगे ना रखें। तो काफ़ी जो पड़ोस के बच्चे थे तंग करने ले लिए आते थे उनको, तो पता नहीं कहाँ गए। जो अब शक हो रहा है कि यहाँ के पीछे फेंकने दिए हों। छोटे 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 पप्पीज़ थे, छोटे प्यारे प्यारे ब्लैक और वाइट कलर्स के, तो उनके लिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन चलो अल्लाह रहम करे, खुदा तो देख रहा है, वही सबको पालने वाला है, तो अल्लाह उनकी मदद करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सारे छुपे हुए हों, मैं उधर जाऊँगा तो नहीं, क्योंकि कोई सांप वगैरह भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। अक्सर उसकी अम्मा जो होती है कुत्ती वो भी बैठी होती है, वो ना कहीं हमला ना कर दे। तो यहाँ पे तो नहीं जाते हम, अगर होंगे तो वापस आ जाएंगे। ये जगह देख सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर बनाई थी हमने बच्चों के लिए। तो अभी ईंटें वगैरह यहाँ पे रहती हैं, इससे हम अंदर का जो हमारा रहता है दरवाज़ा, या दरवाज़ा कह रहा हूँ दीवार रहती वो लगाएँगे। अभी यहाँ पर जो लगनी है सामने जो वाशरूम बनेगा ना, वहाँ पर दीवार लगेगी। पंखा चल रहा है तो उसकी वजह से आपको उसका शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि अभी ताज़ा प्लास्टर किया हुआ है यहाँ पे किचन में, तो उसको हवा दिए जा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तर हो गया था। तो पंखा लगाया हुआ है मिस्त्री साहब ने, अभी अपने लिए लगाया है, इनके लिए लगाया है। अच्छा, यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया गया है, ये भी इस पर प्लास्टर रहता है, इसको बंद करना है, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मोबाइल गिर चुका है और मैं नहीं चाहता कि मेरा मोबाइल भी यहाँ पर दोबारा गिर जाए। अभी छोटे मोट जो काम रहते हैं वो भी वो कर रहे हैं यहाँ पे, जो थोड़े बहुत सुराख रह गए हैं, जैसे कि ये तो अभी इसमें मोटर का जो वो लगना है, डेस्क लगनी है, जैसे ये थोड़े बहुत ये बंद किए जा रहे हैं, पाइप प्रॉपर निकाले हुए हैं हमने। छत पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम अभी हो सकता है जो रहता है। तो सीढ़ियाँ हमने जैसे कि आपने वीडियो में देख ली होंगी, अभी इसको भी सेट करना है हमने। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है हमने एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ पे है और एक ऊपर, अभी वो भी सेट करना है। और सबसे बड़ा काम अभी हमारी मम्मी भी कवर करनी रहती है, अभी इस पर छत नहीं डाला हमने, बाकी तो सारा लगा दिया है, दरवाज़ा भी लगा दिया है। और यहाँ पे गीज़र रखने की जगह बनाई है हमने, गीज़र यहाँ रखेंगे हम। और ये कुछ मिस्त्री साहब ने ख़राब कर दिया काम, थोड़ा बहुत हवा के लिए छोड़ा है, लेकिन प्रॉपर कंडीशन में नहीं छोड़ा। तो इस बात पे मेरे साथ बहस भी हुई थी, लेकिन सुनते नहीं है किसी के ना, क्या करें, बहरहाल इसको ठीक कर लेंगे। अभी छत पे जाते हैं, छत का दरवाज़ा यहाँ पे खुलेगा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, हवा बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है। यहाँ पे अभी हमने लगाई है टंकी, यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसे नज़र आता है हमें। वो सामने प्लॉट है सारा, आसपास सारे घर ही हैं, घरों की छतों पे आप देख सकते हैं। मौसम अभी इंजॉय करते हैं। तो पर यहाँ से मैंने चलना है एक और जगह, इनके लिए मैंने ऑर्डर भी करना है, ऊपर जो तैयार छतें हैं वो लगवाऊँगा, तो उसके लिए अप्लाई करना है। बाकी अप्लाई करना है, बंदे को जाके बोलना है, वो आके यहाँ पर लगा देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक देसी जुगाड़ लगाया हुआ है, ये दरवाज़ा जो था ना ये थोड़ा बाहर था, और इसको हमने अंदर करने के लिए एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने बार लगा दिया है, और यहाँ पे इसका सुराख करके इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे इसका। पाकिस्तानी जो है ना कुछ नहीं छोड़ते, जुगाड़ लाजिम करते हैं हर कामों में, तो यहाँ पर हमने देसी जुगाड़ लगा के सेट कर दिया। ये सामने प्लाट इन्होंने इतना गंद कर दिया ना यहाँ पर, जितने सारे आस पड़ोस वाले हैं ना, गंद फेंक फेंक के बुरा हाल कर दिया। तो मैं मना कर करके थक गया हूँ, लेकिन सुधरते नहीं है। इसका हल वही है कि सामने फ्रंट पे इसकी दीवार बना दी जाए, लेकिन इसका मालिक मुझे मिल नहीं रहा,
उसको मैं बता दूं यार कि यह कवर करना ज़रूरी है वरना आपका प्लाट का बेड़ा खर्क हो जाएगा, और आसपास जो रहते भी हैं और हमारे घर भी इधर ही है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबर एक मिनट चुप लूँगा। यह देखो ज़रा ये हाल किया हुआ मिस्त्री ने, इस पे आम बंदे को समझ तो नहीं आएगी लेकिन जो टेक्निकल बंदे हैं इनको समझ आएगी कि यहाँ से देखें आप फासला कितना कम है और यहाँ से देखो ये फासला कितना ज़्यादा है। नीचे से दीवार सीधी आकर के वहाँ से आउट कर दी है इसने, तो ये अभी सेट करना है, सारा सेट करेंगे, ये उतारेंगे, ये दोबारा सेट करेंगे तब जाके ये सेट होगा। तो बस अभी छोटे छोटे काम हैं, ये सारे इतने ज़्यादा होते हैं जब तक सर पे ना होना तो ये काम सारे गलत इस तरह होते हैं। एक बात मेरी याद रखें, कभी गलती नहीं करेंगे, जब भी आपने अपना घर बनवाना होना तो किसी मजदूर या किसी मिस्त्री पे आपने इतबार नहीं करना कि मैं आपको काम अच्छा करके दूंगा। जब तक आप सर पर नहीं खड़े होंगे ना तो उसने जितना अच्छा मिस्त्री हो जाए, जितना अच्छा मजदूर हो जाए ना, उसने जान छुड़ानी अपनी है। और ऐसे ऐसे काम आपको छोड़ के देगा ना, पता तो नहीं लगेगा, लेकिन जब अगला काम करवाएंगे ना तो उस काम को दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरी बात आप याद रखें कि जब भी घर बनवाना हो ना तो कोई अपना ऐसा बंदा छोड़ के जाना है वहाँ पे जो इनको चेकिंग बैलेंस लाजमी करे, तभी काम आपका ठीक होगा। शाम हो चुकी है और मेरे सर पे अभी लगी हुई है लाइट, तो अभी अबू के पास मैं आया हूँ दुकान पे, थोड़ी हेल्प करवा रहा हूँ, वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं, तो नमाज पढ़ने आते हैं तो फिर बाकी काम मैं करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों छोटे मोटे कपड़े रखे हुए हैं लेकिन ये ख़ास चल नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे, कुछ और अच्छी चीज़ लगाऊँ। वीडियो का एंड पार्ट तक मैं भूल गया था, तो अभी बस घर पे आया हूँ, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो सोते हैं। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मस्त कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई, तो थोड़ा बहुत काफ़ी कमियाँ मुझे पता है वीडियो में और आगे होंगी भी, लेकिन मैं इंप्रूव करूँगा इंशाल्लाह। बस आपकी एक हेल्प चाहिए कि आप मेरी वीडियो लाइक कर लें, आगे शेयर कर लें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूँगा, और एंटरटेन करने के साथ साथ ऐसे ऐसी नॉलेज बताऊँगा जो आपकी डेली लाइफ में आपकी ज़िंदगी आसान भी करेगी और आपको मुश्किलों से भी निकालेगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।